ग्रेटर नोएडा की इकोटेक 3 पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के कर्मचारी पर हुए जानलेवा हमले का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने जानलेवा हमला कर गोली मारने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 17 जनवरी को इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के राजेश पायलट गोल चक्कर के पास अभिषेक नाम के युवक पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था। अभिषेक बिस्तरक स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से अपने घर सूरजपुर वापस जा रहा था। उसी दौरान उस पर बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने बताया कि अभिषेक सूरजपुर में अपने परिवार के साथ रहता है। वहीं पर उसकी मौसी अंजलि भी एक कमरे में रहती थी, लेकिन अंजलि के पास बाहरी लोगों का आना जाना रहता था, जिसमें विदेशी लोग भी उसके पास आते थे, जिससे घर वाले काफी असहज महसूस करते थे। सूरजपुर का रहने वाला है, बिसरख में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करता है। वहाँ से काम करके वो आ रहा था। 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों के द्वारा पीछे से उसको गोली मार दी गई। तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ उसका उपचार हुआ। अब वह खतरे से बाहर है। अभियोग पंजीकृत किया गया, इसमें हमारी टीम लगी, हमारे एसीपी और एसएचओ द्वारा अथक परिश्रम करके इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम जय है और एक का नाम अमित है।